अभी हम लोग आ चुके हैं जय भारत नर्सरी में और दिन डूब चुके हैं, अंधेरा हो रहा है, लेकिन इतना दूर घर से आए हैं तो वीडियो बनाना थोड़ा सा सोचे बना लेते हैं। और इसके बारे में पता चला है कि यह पूर्वांचल की सबसे बड़ी नर्सरी है, मतलब पूर्वांचल में इतनी बड़ी नर्सरी कोई है ही नहीं, तो देखना तो बनता है। इसीलिए हम अंधेरा होने के बावजूद भी आए हैं और चल के अंदर में देखते कि यहाँ पर क्या क्या है। अगर पौधों की बात करें तो यहाँ पर भी वही सारे पौधे दिख रहे हैं, यहाँ पर सब्जियों के बीज भी दिख रहे हैं, बिकते भी होंगे, और फूल वगैरह भी वही दिख रहे हैं। ये फूल कितना प्यारा लग रहा है, इसमें का सफ़ेद कलर और पिंक दोनों यहाँ पर है। एक चीज़ यहाँ पर दिखा, ये पॉट जिसमें नकली बनाया गया है उसमें पौधा लगाया गया है, और यहाँ पर देखिए दो पौधे एक साथ लगाए गए हैं, कितनी बेहतरीन कारीगरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी नर्सरी है, जहाँ तक आप दृष्टि डाल रहे हैं पूरा नर्सरी का ही दिख रहा है। ऐसे ज़्यादा दूर तक दृष्टि न डालिए, सिर्फ सड़क तक, उधर घर तक। और यहाँ पर फूल देखिए, पौधे देखिए, मनी प्लांट देखिए, फूले फूले गार्डन का मजा लीजिए और हमारे साथ घूमिए। अगर कोई मिलता है तो उसे हम बात भी करेंगे कि यहाँ पर इसके बारे में, यहाँ पर क्या क्या मिलता है और क्या खासियत है। गुड़हल है एक थो 80 रुपये का, स्ट्रॉबेरी 40, 60, 120। यहाँ पर भी ये फूल हैं, उधर में गेंदा है, कौन कौन सा फूल है सबका नहीं पता हमको नाम है। एक चीज़ यहाँ पर है कि जो चीज़ें हैं उसका नाम भी दिया है और प्राइस भी दिया है। ये 30-40 बिगोनिया, स्ट्रॉबेरी, ये फल भी लगा है, और ये देखिए वाइट है, रेड है, पिंक है, इसमें कई तरीके के हैं। ये भी कोई प्लांट है, यहाँ पर देखिए ये गेंदे के आकार में कुछ दूसरा पौधा है। ये बहुत बड़ी नर्सरी है ना, इतनी बड़ी नर्सरी आजमगढ़ में कोई नहीं है। हाँ तो इसको अवार्ड भी काफी मिले होंगे, कितने सारे? हाँ तो यहाँ पे बाकी और दुकानों से सस्ते फूल मिलते हैं या फिर उतने ही? 30,000 में कौन सा पौधा है? वो 30 बिकने के लिए सारे पौधे बिक जाएंगे। अच्छा और ये 30 रुपये का कौन सा है? 30 रुपये, 3 रुपये का। और ये गेंदे का कितने का है? तो बता रहे हैं कि ये पूर्वांचल में पूरे सबसे बड़ी नर्सरी है, और आप जैसा कि देख सकते हैं कि कितना सारा फूल लग रहा है, किसी गार्डन में हम घूम रहे हैं, इतना इतना खूबसूरत लग रहा है। अभी शाम हो चुकी है तो सारे फूलों के कलर जो है कि उभर के नहीं आ रहे हैं, और लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि शाम के समय भी हम पार्क में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, और चारों तरफ पीले लाल फूल लगे हुए हैं, ज़्यादातर पीला है, पीले फूल ज़्यादा हैं यहाँ। फूलों के बारे में क्या बताएं, जैसे कि बताए कि एक गए हैं छोटू हर जगह छोटू होते हैं काम करने वाले, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 3 रुपये से 30,000 तक के पौधे हैं। 3 रुपये में आपको मिलेगा, मतलब कि जो नर्सरी है मर्चा का, बैगन की जो नर्सरी है वो मिलेगी, 30,000 में वो मिलेगा, वो मिल जाएगा। और जो लग चुके हैं पौधे वो आपको मोटे मोटे हो चुके हैं, वो 30,000 में आपको खरीदे, कौन खरीदेगा भैया, जिसको तत्काल में प्रॉफिट चाहिए वो लोग खरीदेंगे। यहाँ पे ये सारे जो गेंदे हैं वो मात्र 10 रुपये के हैं, आपको दुकानों में बहुत महंगे महंगे मिल जाते हैं, लोग ठगते हैं। और उन दुकानों में जहाँ से हम वापस लौट के आ रहे हैं, जो देखा है हमने अपने पिछले दोनों वीडियो में, वहाँ पर भी ये गेंदे जो है वो 20 रुपये के या 15 रुपये के हैं, मतलब जैसी छोटी बड़ी दुकान वैसा ही इसका दाम। तो कुछ पौधों के जो हम सोच के आए हैं
उसके बारे में पूछेंगे और देखते हैं कि वो यहाँ मिलता है या नहीं। ये सारे फूल देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं। शो प्लांट अगर आप घर में के मतलब बढ़िया से घर बनाया आपने और उसमें फूल वगैरह से थोड़ा सा गार्डनिंग कर देते हैं तो और भी अच्छा लगता है। आइए इधर में YouTube से कोई चैनल बस ब्लॉग ही तो YouTube का चैनल ही ब्लॉग है ना। हाँ भाई ना ब्लैक ब्यूटी अर्चना। और ये सब पौधे कितने के हैं? सब 10 का सीजनल है, 2 से 3 महीने चलते हैं ये। उसके बाद फिर इसमें बीज भी आता है कि बीज आते हैं लेकिन वो बीज काम के नहीं होते हैं। नहीं चलते हैं लेकिन अगर कर लिया जाए तो हो जाएंगे पर जैसे पहले खिलते हैं वैसे बाद में। मतलब कि ये जो होता है ना कि हाइब्रिड बीज होता है वो ज़्यादा क्वालिटी देते हैं उसके बाद फिर वो जो मरतुआ हाइब्रिड का बीज सही नहीं होता है जो बाद में निकलता है। हाँ बेकार होता है। हाँ तो वो मारा जिसे फूल निकलता है वैसा ही निकलेगा। तो मतलब सीजनल है तो 10 रुपये इसका दाम ज़्यादा नहीं है एक सीजन के लिए मिला मेरे चैनल। अरे ये सब ये भी सीजनल में ही आते हैं पर ये ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। ये टिकाऊ होते हैं मतलब कुछ साल तक चल नहीं साल तक नहीं ज़्यादा महीने 4 से 5 महीने तक चल जाते हैं ये। हाँ। और ये जो पौधे हैं ये भी चलते रहते हैं तो अगर जब जो ज़्यादा गर्मियों का सीजन है तो इसके बाद मतलब छाँव में रख दिया जाए तो चलता रहेगा। ये भी ये कितना का है? ये भी 20 का। और ये सब? ये भी 20 के ही रहेंगे। तो अगर जमीन पे लगाया जाए उसमें और गमले में उसमें क्या अंतर होगा? मतलब दोनों में ही सेम ग्रो करेगा। अगर गमले में रहेगा तो थोड़ी बड़ा गमला रहेगा तो उसी हिसाब से ग्रो करेगा। अगर छोटे गमले में कम ग्रो करेगा उसके लिए अगर फर्टिलाइजर ज़्यादा लगेगा तो। अच्छा अगर जमीन पे लगाया जाए तो उसके लिए वो मतलब फर्टिलाइजर डाल के लगाए तो सही ग्रो करेगा। हाँ। और फूल भी आएंगे पत्तियाँ भी आती तो बढ़िया है। और इधर में क्या है? ये सब ये सभी फूल ही है। हाँ ये चांदनी ये फूलता है। हाँ फूल आते हैं पूरे घने होते हैं। ये कितने का है? ये पौधा है कि पौधे है झाड़ी नुमा होता है ये। हाँ। इसका फूल छोटा छोटा आता है कि बड़ा बड़ा? वाइट वाइट आते हैं 4 पंखुड़ी में। अच्छा छोटे छोटे मतलब। और यहाँ पर ये भी है ये। अच्छा लता टाइप में कुछ नहीं है जो बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं जिसमें लता हो पूरा जो छत पे चढ़ाते हैं वो उस तरह का? काम करते हो आप यहाँ पे? सैलरी पे? हाँ। कितना मिलता है सैलरी? 350 एक दिन का। हाँ। तो रोज परमानेंट रहते हैं? पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, फर्स्ट ईयर। अच्छा कहाँ से? मतलब पहले तो यहाँ से इंटर फाइनल ईयर है आपकी बार प्राइवेट से। तो काम के साथ साथ में पढ़ाई भी? अरे पढ़ाई के साथ साथ काम काम और सुबह सुबह को SSC। अच्छा मतलब कि SSC की तैयारी कर रहे हैं? बहुत बढ़िया है। अभी हम वो जो बड़े बड़े पौधे वो किस चीज़ के हैं? ये हरे वाले पत्ते वाले। हाँ ये डहेलिया का फूल है। अच्छा जो फूलता है वो इसका वाला? और ये पौधे जो हैं ये सीजनल हैं कि बारहमासी? बारहमासी हैं। अगर इसे गर्मियों के सीजन में छाया में रखा जाए तो चलेगा ये बारहमासी। अगर नहीं रखा जाएगा तो धूप में मर जाएगा। ये कितने का है? 30 का भी है 40 का। अच्छा गमले में जो है वो 40 का है और जो पॉलिथीन में है वो 30 का है। तो गमले में लेना ज़्यादा फायदा है? हाँ गमले सही है क्योंकि उसमें जाएगा गमले वो 30 का एक। हाँ और गमला मतलब ले जा करके कहीं कभी कभी गमला में लगाना ही पड़ेगा अगर इसको जिंदा रखना है तो। हाँ रखना ही पड़ेगा कहें कि वो जब छाया में रखना है तो बाद में उसे हटाना ही पड़ेगा। यहाँ पे मतलब कि ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जो ना मिले? हाँ सब पौधे। अच्छा वो जो इसका गजरा बनता है मोगरा होता है वो है क्या? हाँ, कहाँ पर फूला हुआ है कि नहीं फूला है? मतलब कि लोग चाहते होंगे ना कि किस तरह का पौधा हमें मिलेगा। यहाँ पर सभी तरीके के लगभग पौधे मिल जाएंगे। अच्छा उसका सहजन का पौधा है क्या? सहजन इस समय पौधा वो बता। अच्छा और जो आम वगैरह रहता है उसका? अच्छा जो पीछे में जगह है वो भी इसी की है कि 32 बीघे टोटल है।
ये पूरा प्लांट ही है, मतलब किसी का है? उधर में जाकर देख सकते हैं, उधर में क्या है? उधर तो अभी पहले लोग महिला लेबर काम करते हैं, घर में पौधे लगते हैं उधर में। अच्छा, नर्सरी उधर ही में ग्रो की जाती है, उसके बाद बिकने के लिए यहाँ रखता है। मतलब कि ये बाव कितना बताया? 32 बीघा लगभग, क्योंकि यहाँ 22 या ये पूरा उधर घास के लिए और 5 बीघा इधर का। इधर में पूरा 22 बीघा है और उधर मतलब 32 बीघा चलता है दो जगह। ओह अच्छा, जो जमीन पे घास भी बिछाई जाती है पार्क वगैरह में, इसके भी यहाँ पे मिल जाएगा? बहुत बढ़िया है। ये किस चीज का है? हाइकर से कटिंग की जाती है, उसके बाद वो गोल जो होता है उस तरह का। बढ़िया है, मतलब कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि जो ना मिले, सब कुछ। तो जो लोग आप आना चाहते हैं खरीदने के लिए फूल पौधे, सीजनल पौधे में बस यही है, जो सीजन में बसंत ऋतु में आते हैं पौधे, ये वही है। कौन से? शीत ऋतु से लेकर, हाँ हाँ, बसंत तक चलते हैं। इसके बाद जब पौधे में जो बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं उसके बाद फूल लगते रहता है, मतलब बड़े फूल। हाँ, इसमें मोगरा है, गंधराज है, रातरानी है। कहाँ पर है वो? एक यहाँ है चांदनी है, रातरानी। अच्छा, जिसमें सुगंध भी हो अच्छी खासी। ये इसमें सुगंध बहुत ज्यादा है। हाँ, सुगंध अच्छी आती है। ये वाला फूल तो हमारे घर है। और ये सब किस चीज का है? ये चांदनी के बड़े पौधे। हाँ सर, और मोर पंखी, ये सब पौधे 30-30 हजार। यहाँ पर यहाँ से देखिए दो तरफ से रास्ते, एक रास्ता यहाँ से है, अगर कोई गाड़ी वगैरह से आना चाह रहा है तो पूरा देख सकता है पार्क। एक रास्ता उधर से है जिस तरह से हम लोग आए हैं, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पान फुकार खा करके थूकना और घूम धूम पान करना सख्त मना है, इससे पेड़ों को काफ़ी नुकसान होता होगा। ये देखिए पौधे, मतलब अगर आप लेना चाहते हैं यहाँ पर तो ऐसे कोई भी पौधे नहीं है जो आपको ना मिले, और बड़ा से छोटा सब तरह के यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सीजनल पौधे जो हम लेना चाह रहे हैं, बट हमारे पास इतना पैसा नहीं है और ये बड़े पौधे के लिए हमारी औकात नहीं है अभी। हाँ, तो वही 2-4 पौधे हमने लिया है जिसको हम कुछ सालों तक ग्रो करना चाहेंगे। अच्छा, मेहंदी का पौधा है क्या? मेहंदी का पौधा कहाँ? यहाँ पर देखिए, ये मेहंदी के प्लांट है। इसकी तो डाल लगती है, एक डाल लगा लीजिए, अगर किसी के पास नहीं मिल जाती है तो लगभग पूरे गांव में फैल जाती है। ठीक है। और यहाँ पर बरगद, ठीक, दे सारे बरगद के हमारे यहाँ तो बिना लगाए ही बहुत सारा हो जाता है। और ये इसका नाम क्या है? फाइकस लकारा। ये क्या होता है? शोपीस होता है, पत्तियाँ बड़ी बड़ी आती हैं। अच्छा, ये दो वैरायटी आती है, छोटी पत्ती में आती है, बड़ी पत्ती में आती है। अच्छा अच्छा, ये बाउंड्री टाइप जो लगाते हैं लोग किनारे की। हाँ, अच्छा, ये इनके जो ओनर है उनका घर और कहाँ है? ये फूल है। हाँ, आजम, आजम। क्या नाम उनका? वंश गोपाल सिंह जी। अच्छा, आजम क्या बोल रहे हैं? आजम, अच्छा, ये फूल तो काफी आकर्षक लग रहे हैं, बट सीजनल है। देख लीजिए, क्या हम देखने जा रहे हैं? जो बार्डर वार्डर बनाने। अच्छा हाँ, देखिए वहाँ पर यहाँ पर है ये फूल, देखिए प्यारे प्यारे हैं, बट हम लोग 5 ले लिए हैं और 100 रुपये में लेंगे। देखिए सारे फूल बहुत प्यारे प्यारे हैं, अगर आप एक बार अगर यहाँ पर ले खड़े हो जाएंगे तो बिना, हमको नहीं लगता कि बिना लिए कुछ भी जाएंगे। सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, सब तरह का यहाँ पर मिल जाएगा।
ये रही मेरी भारत नर्सरी की वीडियो। बहुत बड़ी नर्सरी है जैसा कि भाई ने बताया, 32 बीघे आपको कम नहीं लगते। यहाँ पर ऐसा कोई भी पौधा नहीं है, मेहंदी तक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो फूल आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे फूल यहाँ पर हैं, 20 रुपये 25 रुपये कम से कम फूल, 10 रुपये का भी है, सारा गेंदा जो है वो 10 रुपये का है। तो एक बार अगर आप आजमगढ़ आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए, अगर आप फूलों के शौकीन हैं, गार्डनिंग के शौकीन हैं, तो ये पूरा बागीचा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा, मतलब मन गदगद हो जाएगा और आप बिना लिए यहाँ से फूल वगैरह जाएंगे नहीं। तो बस आज की वीडियो मेरी समाप्त होती है। लगातार आपने 3 वीडियो देखी फूलों की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने लोगों को जो आजमगढ़ के हैं, जो लोग नया घर बनवा रहे हैं, घर की गार्डनिंग करना चाहते हैं, गार्डनिंग का शौक है, उन सारे लोगों को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि ये सारे गार्डन आपको कैसे लग रहे हैं, ये फूल जो पीछे पीछे मेरे पीले पीले फूले हुए हैं ये कैसे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लाल वाला बटन उसको ऐसा टिप दीजिए और वो ग्रे हो जाएगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।